अश्लीलता की तो बेटियां दिखा देंगी अपना दुर्गा रूप। जिला मैनपुरी में हर थानों में महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ करते हुए थाने में पहुंचने वाली पीड़ित महिलाओं को सुविधा देखते हुए शुक्रवार को जिले के सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत की गई। वहीं डीएम महेंद्र बहादुर सिंह, एसपी अजय कुमार पांडे ने थाना भोगांव में पहुंचकर इसकी शुरुआत की। थाना दन्नाहार में सीओ सिटी अभय नारायण की अध्यक्षता में मिशन शक्ति का आयोजन किया गया। पीड़ित महिलाएं हेल्प डेस्क पर अपनी शिकायतें कर सकेंगी। वहीं डेस्क पर महिला पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है, जिससे महिलाएं अपनी बात आसानी से कर सकेंगी। वहीं तहसीलदार मनोज राय ने कहा कि हम लोगों को महिलाओं को सम्मान दें, भेदभाव न रखें। वहीं सरकार ने आप लोगों की सुरक्षा के लिए 112 नंबर के अलावा मोबाइल नंबर जारी किए हैं। तत्काल मोबाइल नंबर लगाकर हेल्प मांग सकती हैं। फोन करते ही आपके पास पुलिस सहायता के लिए पहुंचेगी। वहीं थाना में नाटक मंचन के द्वारा छात्र छात्राओं ने राह चलते अश्लीलता की तो दुर्गा रूप रख लेंगी लड़कियां का मंचन देखकर लोगों ने सीख ली। इस अवसर पर सीओ सिटी अभय नारायण, मनोज राय, थाना प्रभारी निरीक्षक ओम हरि वाजपेयी, उदय प्रताप, हुकुम सिंह, भीम सेन, सुनीता शर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। आज देश कार्यकाल पेपर उठाइए, बहुत नकारात्मक बातें हैं, लेकिन इसमें नहीं जाना, ये भी तो देखिए सकारात्मक क्या है। कल ही अभी तीन महिला पायलटों को जो है नवल, जो आपका नेवी है, उसमें डॉर्नियर हवाई जहाज उड़ाने का वो प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। कल उन लोगों ने अपनी ट्रेनिंग पूरी की है। आज के पेपर में हर जगह है, तीन लड़कों का नाम इसमें शामिल है अभी, और वो तीनों का नाम इसमें लेफ्टिनेंट दिव्या शर्मा जो दिल्ली से है, लेफ्टिनेंट शुभांगी स्वरूप और लेफ्टिनेंट शिवानी, ये तीनों लोगों को नेवल पायलट के रूप में कल भारतीय सेना में प्रवेश किया गया है। कहीं कोई ऐसा क्षेत्र दिया गया है, इसके क्या फायदे महिलाओं को, जैसा आप देख रहे हैं कि जनपद मैनपुरी का थाना भोगांव है और यहाँ पर एक समर्पित महिला हेल्प डेस्क की स्थापना यहाँ पे की गई है। आप देख रहे हैं अभी मैंने और जिलाधिकारी महोदय ने इसका लोकार्पण किया है। इसमें दो महिला आरक्षी 8-8 घंटे की शिफ्टों में 2400 घंटे यहाँ उपस्थित रहेंगी और महिलाओं बेटियों से संबंधित शिकायतें सुनेंगी और उसका निस्तारण करेंगी। इसका लाभ ये होगा कि तमाम महिलाएँ, बहनें, बेटियाँ जो पुरुषों से अपनी बात कहने में झिझकती हैं, थाने पे आने में और थाने के मुंशी से जो पुरुष आरक्षी हैं, मुख्य आरक्षी, उनसे बात करने में झिझकती हैं, वो यहाँ पर अपनी बात आसानी से कह सकेंगी। यहाँ पे आने वाली हर महिला को धैर्यपूर्वक सुना जाएगा, उनको सूक्ष्म जलपान कराया जाएगा, उनकी समस्या को रिकॉर्ड किया जाएगा और उनको पर्ची दी जाएगी, टोकन देते हुए पर्ची दी जाएगी, ताकि उनकी समस्या को बाद में उसका अनुसरण भी किया जा सके, ये पता लग सके कि महिला आई हुई थी, इन्होंने कोई शिकायत की थी, और उस शिकायत का यथासंभव वैधानिक समाधान निकाला जाएगा, उसका किया जाएगा, ताकि वो महिला न केवल सुरक्षित महसूस करें बल्कि सम्मानित भी महसूस करें, उसके सम्मान को ठेस न लगे, इसके लिए पूरा प्रयास यहाँ पे किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व दिशा निर्देश में ये सारा कार्य हो रहा है। हमारे उच्च अधिकारियों ने भी इसे मार्गदर्शन दिया हुआ है कि जनपद मैनपुरी के इस थाने पर हम और डीएम साहब उपस्थित हैं। ऐसी ही व्यवस्था जनपद मैनपुरी के सभी 14 थाने पर कराई गई है और इसका आज सभी जगह लोकार्पण हो गया है। अब हमारी माताएं, बहनें, बेटियां, सभी महिलाएं इसका लाभ उठा सकेंगी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें। धन्यवाद।